नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और मैं उदयपुर उत्तराखंड के छोटे से गांव टांगे गांव से। स्वागत है आपका राधिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी की इन खूबसूरत पहाड़ियों से तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। तो अभी आप इधर का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हो रखा है और आजकल चारों ओर क्योंकि दिवाली का माहौल बना हुआ है मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रखा है तो हम जा रहे हैं फिर इधर आगे घूमने। रानी है अपने बुआ के पास है, बुआ तो है तेरी। और ये यहाँ पे झंगोरा की कुटाई हो रही है गायों के लिए बनाने के लिए, तो गाय पूजन होगा तो यहाँ पूरे झंगोरे की कुटाई। तो गाइस काफी ठंडा हो रहा था और मैं दोबारा फिर कपड़े पहन के आ गई हूँ, ऊपर से स्वेटर बहुत ठंडा हो रहा था, ये टोपी। फिर जा रही हूँ नीचे क्योंकि सब नीचे है, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। बुआ देगी आपको, बुआ कल बुआ लाके देगी सौर्य को, ठीक है? ओ सौर्य, कल बुआ लाके देगी सौर्य को। सौर्य को बुआ देगी, सौर्य मैं कल लाके दूंगी आपको, ठीक है? इससे भी बड़ी वाली गाड़ी देंगे आपको, ठीक है? हाँ फिर हम इनको नहीं खिलाएंगे, ओके? हमने अभी सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि दिन की दाल बची हुई थी और ये बनाई है मैंने नमकीन रोटी क्योंकि ना मुझे जुकाम लग रहा था। और नाने की रोटी दाल सब्जी चावल जो भी है मतलब चाय चुई और ये रोटी तो लेते हैं गर्मा गर्म रोटी सब रोटी दाल का आनंद। तो आज दिवाली की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है, सबने लड़ियाँ वड़ियाँ लगा दी है, आप देख सकते हैं पटाखे पटाखे भी जल्दी बैठ गए हैं।
और यहाँ से बड़ा प्यारा लग रहा है, चारों तरफ लाइट लाइट, बहुत प्यारा लग रहा है। देख पा रहे होंगे, इधर से तो दिख नहीं रहा है इधर अभी, पर ऊपर छत में जाके पूरा दिखता है। छत में अभी जा नहीं सकती, तो चारों तरफ उजाला ही उजाला, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बहुत सुंदर गाइस। मुझे तो ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाइट 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 से लग रही है, बहुत उजाला उजाला दिख रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। और जहाँ भी हो गया है, इधर उधर सारे लोग भी घर आ गए हैं, तो खूब शोर हो रहा है गांव में। कल तक तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि यहाँ कोई लोग होंगे, मैं अपने कपड़े भी नहीं लाई हूँ ज़्यादातर। मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा कपड़े कपड़े ले जाके भी कुछ एक फ़ोटो खींचने वाला भी नहीं होगा, लेकिन अब पता लग रहा है कि यहाँ कितने सारे लोग, मैंने पहली बार देखा है यहाँ इतने सारे लोग। क्योंकि मैं जब भी आती थी एक बुढ़िया इधर एक बुढ़िया उधर ही दिखती थी मुझे, लेकिन इस बार ना बहुत सारे लोग आ रखे हैं, तो मैंने पहली बार देखे हैं इतने सारे लोग। तो काफी प्यारा लग रहा है और इधर सामने भी पता नहीं कौन सा गांव है, पर काफी प्यारा लग रहा है। दिवाली की तैयारियां भी चली रही हैं, आप लोगों की इधर भी चली रही होगी, और ठंड भी बढ़ती जा रही है, तो बाहर पे रहना इम्पॉसिबल है, तो मैं जा रही हूँ अंदर। और अभी 7:30 लगभग हो गया होगा, तो हमारा खाना पीना हो गया, क्योंकि दो लोगों की रोटी फटाफट बना के फटाफट चुटके हुए खा गए। तो अभी हमारी सोने की तैयारी, तो मैं जा रही हूँ सोने, आप लोग भी सो जाओ टाइम से पहले, ना पाग आ जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, कमेंट करके बताना। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं राधिका मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।